मार्केट में चल रहा है कि भाई एक्सयूवी 700 में दिक्कत बहुत आ रही है। क्वालिटी भी थोड़ी बहुत चीप मिलेगी, ह्यूंडई से भी चीप लगती मुझे इसकी। सफारी पे उस साइड क्यों नहीं गए थे? तो ये देखना ये यूं ही घूमता है और कुछ नहीं करता। पांच मेन रीजन इस गाड़ी को लेने के। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई वीडियो में। भाई आपको पता है आजकल जो है हर जगह चर्चों में या तो स्कॉर्पियो एन आ रही है या एक्सयूवी आ रही है। एक्सयूवी की जब लॉन्चिंग हुई थी भाई आपको पता है बहुत नाम आया, भाई एक्सयूवी 700 देखो, एक्सयूवी 700 देखो। आजकल कैसा नाम इसका चल रहा है कि भाई गाड़ी में दिक्कत ही दिक्कत बहुत हो रही है। ऐसा क्या सच में है क्या ऐसी कोई दिक्कत? आज वो इस गाड़ी के ओनर से हम जानने वाले हैं। तो आज हम आ रखे हैं UP 16, यानी हम आ रखे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। आज जो है हम एक्सयूवी 700 AX7L, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं आता, इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस जाते हैं हम दीपांशु भाई से। कैसे हो भाई? बढ़िया। तो भाई थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए पहले। भाई मेरा नाम दीपांशु पांडे है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मैं शारदा यूनिवर्सिटी से फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो ये आपका कब प्लान बना और क्या ये कब लिया आपने वैसे? सबसे पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो हमने क्लेंजर ली थी पहले कॉलेज के लिए, और क्लेंजर की बिल्ड क्वालिटी पसंद नहीं और एक्सीडेंट वगैरह में थोड़ी बहुत मतलब जल्दी खत्म हो जाती थी भाई। ग्लेंजा में तो मतलब टोयोटा में वैसे तो सेम प्लेटफॉर्म पे बनती हैं। फिर यही है कि सोचा कि निकाल के वरना लेते हैं। हमारे पास क्रेटा 1.6 भी, डैड ने बोला कि तुम वो रख लेना, वो गाड़ी सही है, मैं अपने लिए नहीं ले लेता हूँ। डैड का 35 लाख तक कोई बढ़िया सी ढूंढ, तो मैंने एंडेवर दे के भाई। फिर सितंबर के बाद हमारे वो बना इतने, तो भाई फोर्ड भी चली गई थी भाई। फिर और भी देखिए ओल्टोरस वगैरह भाई, वो डैडी को ये था कि डिसकंटिन्यूड हो सकती है, थोड़ा ब्रांड वैल्यू का वो था। बाद भाई टाटा को डैडी को पसंद नहीं, पर ब्रांड वैल्यू तो भाई आपने फिर भी महिंद्रा ली। हाँ भाई ये कि पर ये इतनी वैल्यू फॉर मनी थी ना, ये जिस प्राइस में जो चीज दे रही थी भाई, पापा को भाई वगैरह सब पसंद आया। सबसे पहले तो ये बताओ क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है आपको, मतलब ये जो जनता है भाई एक्सयूवी 700 की तरफ खींच रही है, अब जैसे स्कॉर्पियो की तरफ खींच रही है, तो उसका रीजन थोड़ा भाई इस सेगमेंट में इतनी सारी गाड़ी देखने के बाद, जब एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ी में इसका प्राइस सुन के आप बैठोगे तो आपको क्या नहीं अट्रैक्ट करेगा? सब कुछ, इसका इंटीरियर देख लो, इसमें पावर वगैरह सब कुछ देख लो, फीचर देख लो। पर अब आपने ये लिए डीजल ऑटोमेटिक, पावर तो भाई पेट्रोल की ज्यादा है, फिर आप पेट्रोल पे क्यों लेंगे? फर्क नहीं है वैसे, 0-100 ऑलमोस्ट दोनों गाड़ी का सेम है, वो 9 सेकंड है, 9.8 है। और रही बात मतलब जो फास्ट फील होती है उसमें टॉर्क उससे बहुत ज्यादा, 450 Nm का इसमें टॉर्क है, तो आपको फास्ट फील ये होगी 25 में ज्यादा है, बेशक उसकी एक्सेलरेशन इससे फास्ट है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब भाई एक आजकल इसमें थोड़ा ताज़ा है ना मार्केट में चल रहा है कि भाई एक्सयूवी 700 में दिक्कत बहुत आ रही है, आपके साथ अभी तक कोई ऐसा हो रहा है? नहीं भाई ऐसी कोई मेजर तो नहीं आई, देखो टेक्निकल ग्लिचेस तो आते हैं, और ये तो मेरे ख्याल से हमारे परिवार में लग्जरी गाड़ियां भी रही है, उनमें भी थोड़े बहुत आ जाते हैं टेक्निकल ग्लिचेस। पर ये है कि महिंद्रा ने कोई मतलब नया इनिशिएटिव लिया है, ये ऐसा प्रोडक्ट लाया है, तो वही वाली बात है, उनके प्रोडक्ट तो चलो चेंज हो गए, आफ्टर सेल्स वगैरह और ये सब मतलब उनपे थोड़ी और इन्हें R&D करनी चाहिए, तो वो इम्प्रूव करना चाहिए, और दूसरा अपने जो ग्लिचेस वगैरह आते हैं ना सही करना चाहिए, बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मेरे कम है ग्लिचेस कम है। अंदर चलते हैं भाई। तो भाई हम आ चुके हैं अंदर, यहाँ से अपना स्टार्ट स्टॉप इंजन, ये डीजल है, वाइब्रेशन तो है। हाँ भाई वाइब्रेशन तो है इसमें, ये चीज है इसकी सेगमेंट में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। और एक इसमें अपना बढ़िया खेलने वाली चीज आ गई। हाँ ये तो है, प्रैक्टिकल लगती है भाई सनरूफ? भाई प्रैक्टिकल तो नहीं है पर शोबाजी के लिए बढ़िया है। अच्छा अच्छा, बाकी भाई लो टायर प्रेशर, टायर डायरेक्शन भाई ने चला चुकी है 11,500, एक सर्विस तो हो चुकी होगी, 10,000 वाली, 10,000 वाली होगी। क्या कुछ कॉस्टिंग आई भाई? 5,000 रुपए आई उसकी, 5,000 रुपए। अच्छा एक इसमें है ना थोड़ी यूं दिक्कत कह रहे हैं, एसी की दिक्कत है, एसी की कोई दिक्कत आई है अभी तक? नहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक इसमें मोड़ की है, मोड़ की क्या दिक्कत है? वो ये है कि भाई जब क्या बताऊं, जब चाहिए होते हैं मोड़, जब मन होता है कि भैया लग जूम मोड़ पे, जब तो लगती नहीं है। अच्छा, जब नहीं मन होता बस ऐसी ट्राई करता हूँ कि भैया लग रहे ना लग रहे, तब लग जाते हैं। ये चीज है, वो चीज इन्हें सुधारनी चाहिए। मेरा जो मानना है ना भाई, बहुत बढ़िया हमारा इंडियन ब्रांड है अपना, बहुत आगे बढ़ रहा है मतलब, इनको थोड़ा सर्विस का तो ये जो फीचर इतने दे रहे हैं ना, तो थोड़ा इनको संभालना चाहिए। प्रोडक्ट बदल के भाई इन्हें अभी, इनके वो तो बदले नहीं है, देखो शोरूम वगैरह मतलब ऐसे बाहर से दिखाने को बदल दिए, अंदर तो इंसान वही है, उनको और ट्रेन करना चाहिए, ये वाली बात है। आफ्टर सेल सर्विस मतलब, यानी आप ये मान लो जब सर्विस करवाने गए हो, मतलब सुनते हैं कोई दिक्कत आई है वैसे तक अभी तक गाड़ी में?
भाई ऐसे मेजर तो कोई नहीं आई अभी तक पर, और जो सर्विस कराने गया उसको बताता हूँ। सर्विस का मतलब चार्ज तो मैंने आपको बता दिया, बाकी उनकी तरफ से जो हॉस्पिटैलिटी थी उनकी वो तो सही थी, बाकी टाइम बहुत लगाते हैं सर्विस में। कितना टाइम लगाया भाई फर्स्ट वाली में? भाई ये लगा लो 6 घंटे क्योंकि और उसमें तो वॉशिंग करके और ये पर वैसे चेकअप करके दे देते हैं। उनके सॉफ्टवेयर अपडेट में 2-3 घंटे लग जाते हैं, इनके बहुत टाइम है। मैंने वही चीज फीडबैक दिया है, मेरे पास फोन भी आया उनका महिंद्रा वाले को ऑफिशियल्स का आया, मतलब ऊपर से कि हमने आपकी वीडियो ये सब देखी, आपने वीडियो में बताया टाइम ये सब लगा। वैसे मैं भाई आपको बता देता हूँ, भाई का भी यूट्यूब पे चैनल है, किस नाम से? इंडियन कार वाले के नाम से। तो उसे हमें क्या करना है भाई? सब्सक्राइब करना है डेफिनेटली। बिल्कुल भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। कर दो ज़ूम पे कर दो। ये देखो भाई इसमें जिप पे ये कस्टम क्या है अपने? कस्टम पे थोड़ा बहुत स्टेयरिंग का फीडबैक और अपना ब्रेकिंग का मेरे ख्याल से, और थोड़ा बहुत इंजन का वो सब अलग से सेट कर सकते हैं इन तीनों मोड्स के हिसाब से, कि इसे ज़ूम पे रख लो स्टेयरिंग फीडबैक को, ब्रेकिंग को अलग रख लो, इसे जेप पे रख लो। तो आप करते हो ऐसा कुछ? मैंने छेड़ा भी नहीं इसमें। क्या अच्छा, मतलब वैसे देख लिया था। अच्छा इसमें ये होता है, फीचर है, काम नहीं है देखो। बाकी एक बात तो है यार, जैसे अब आप जैसे ड्रैग रेस वगैरह करते रहते हो, जूम में ही करते हो गए? हाँ जूम में करता हूँ। बीच बीच में गाड़ी ऑफ भी करनी पड़ जाती है, ऑफ करके वापस क्या हो जाता है भाई? वापस लगती नहीं है फिर। हाँ भाई, अब जैसे ये हमने लगा दिया जूम पे, ओ भाई यूं भगाओ इसको, जैसे लाल हो गया ना ये, तो लाल इसको ऐसे पूरा भगा दो। अब ये जो आप इतना भगाते हो भाई, उस हिसाब से माइलेज क्या देती है ये? भाई माइलेज बेकार है। देखो एक्सयूवी मेरे ख्याल से महिंद्रा माइलेज पे कम, थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी ज्यादा बनाता है, तो ज्यादा ही परफॉर्मेंस के उस पे चले गए भाई मेरे ख्याल से भी। मतलब स्कॉर्पियो में पहले से ही है उनकी, तो ये एमोक वाला है इससे मतलब ठीक ठाक है, 14-15 आप निकाल सकते हो मैक्सिमम अगर निकालना चाहो, वैसे इससे भी ज्यादा निकाल सकते हो, पर गिरेगा भी उतनी तेजी से, नॉर्मल अच्छा रखना है तो 14-15 तक। अच्छा अच्छा, बाकी एक दो बार ऐसा नहीं लगता भाई ये कुछ ज्यादा ही एक ही गियर में ज्यादा देर तक रह रही है? हाँ, ये इसमें है हमारी जो क्रेटा का, और आपको पता होगा हाँ, टॉर्क कन्वर्टर वो बहुत स्मूथ काम करता है भाई, वो इतना शोर भी नहीं करवा, वो इतना शोर नहीं करता, ये बहुत शोर कर रही है भाई, 1000 तक ले जाती है आरपीएम भाई। डीजल गाड़ी मेरे घर में सारी डीजल है, मतलब मेरे को डीजल की आदत है, पर ये कुछ ज्यादा ही है। कल मैंने डीजल मैनुअल चलाई ना, उसमें मेरे को इतनी वाइब्रेशन नहीं लगी। अच्छा होगा भाई ऐसा कुछ, ये टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा शोर कराती है गाड़ी, वाइब्रेशंस भी देता है। कितनी आवाज है इसमें? सस्पेंशन कैसे हैं भाई? सस्पेंशन ऐसे है कि आपको मेरे ख्याल से 40-50 लाख में बहुत ही मुश्किल है सस्पेंशन मिलना, बस दिक्कत ये है कि आवाज करते हैं, जैसा आप अभी देख सकते हो हार्ड एल्युमिनियम के ना, इसलिए आवाज करते हैं। ये देखो भाई, मतलब भगाने में तो इसको कोई वो नहीं है, मिड इसका बहुत बढ़िया है। अब जैसे मैं इसको लगाऊंगा जिप में, जिप यू मान लो आप इसको इको मोड कह सकते हैं, जैसे इको सिटी और वो आता है ना, ये क्या इमरजेंसी वाले ऑन हो गए, आपने ब्रेकिंग करी इतनी में ही? हाँ इतनी हो गई यार, ये तो नॉर्मल लिए थे मैंने, ऐसे ऐसे तो मैं रोज लेता हूँ, ये तो इसमें जल्दी में जाती। भाई ये देखो, ये मैंने जिप पे लगा रखी है, जिप पे सही है, पर 150 horsepower हो जाती है भाई जिप पे, 55 से कट ऑफ हो जाता है, मतलब एकदम से यूं लगता है कि बहुत भारी है, बहुत भारी गाड़ी उठ रही है, कोई भारी चीज लेके चल रहे हैं हम। अभी तक इसको लंबे कहां कहां तक ले गए भाई? वहां गए थे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में। कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी का भाई? बहुत तगड़ा रहा, हमारा ड्राइवर कह रहा कि इतनी लग नहीं रहा, इतनी हैवी गाड़ी चला रहे, स्टीयरिंग बहुत लाइट है। कितने लोग गए थे आप भाई? हम 5 लोग गए थे, मतलब पूरी गाड़ी सामान की फुल थी, पूरी फुल थी भाई। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भाई गाड़ी झटका मार रही है, धोखा दे रही है, ऐसा कुछ? टाइम पे तो भाई दिमाग में नहीं था, गाड़ी दिक्कत दे भी सकती है और ना गाड़ी थी। वैसे आपने ये फर्स्ट लोट में ली थी, जो पहली 25,000 बुकिंग हुई थी, 7 तारीख की बुकिंग लगी सबसे पहले दिन के थी, अनऑफिशियल कर दी थी वैसे 5 तारीख की। अच्छा, टेस्ट ड्राइव कर दी। अब भाई थोड़े नेगेटिव की बात हो जाए, आप जब से बढ़ाई कर रहे हो गाड़ी की, बढ़ाई वाली है भाई, अब नेगेटिव की बात करें तो भाई नेगेटिव मुझे इसमें ये लगता है कि इसमें कुछ फीचर मिसिंग है। कैसे? जैसे वेंटिलेटेड सीट्स मुझे कमी लगती है, वैसे मैंने आज तक मतलब एक्सपीरियंस तो करी नहीं है, पर इस सेगमेंट में क्रेटा दे रही है, सेल्टोस दे रही है, सफारी दे रही है, हैरियर दे रही है, एमजी दे रही है। अब मेरे को, हमें जो उम्मीद थी ना इससे, वो उम्मीद ये थी, अब जैसे स्कॉर्पियो आई है तो हमें लगा इसमें नहीं है तो क्या पता उसमें हो गई, पर उसमें भी नहीं है, तो उससे तो ऊपर वर्जन वाले में थोड़ी आ जाती है एक्सयूवी 700 तो। हाँ इसमें वो भी नहीं है भाई। लाइट का थ्रू कैसा है भाई? बहुत तगड़ा है, मैंने अपने चैनल पे दिखा रखा है, बूस्टर वाली तो डबल कर देती है इसकी। अच्छा बूस्टर वगैरह वो जो है प्रैक्टिकल है चीज़ भाई, वो तो हाईवे पे ऐसे लगा लो, हाईवे पे रखता हो ना तो एक बार सामने वाला आदमी ऐसा कर रहा है कि भाई इसकी नीचे कर ले। अच्छा ऐसा है, बाकी
भाई पांच मेन रीजन इस गाड़ी को लेने के, मैं बताता भाई। सबसे पहला है इस गाड़ी में मिलने वाले आपको फीचर्स, जो आपको बेस्ट इन क्लास फीचर्स मिलेंगे जैसे कि रडार्स वगैरह, और जो कि इसमें मतलब इसका 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और भी भाई परफॉर्मेंस वगैरह वो आपको एकदम टॉप नॉच लेवल की मिलेगी। इस सेगमेंट में आपको मुश्किल ही ऐसी डीजल एसयूवी मिलेगी मेरे ख्याल से। 60 लाख के अंदर तो मैंने अब तक मतलब कोई सहारा नहीं पाया ड्रैग रेस में, परफॉर्मेंस चलाने में मज़ा है। और भाई और आपको इसमें मेरे ख्याल से जो इसमें कम्फर्ट जो आपको मिलता है मोनोकोक होने की वजह से वो बहुत इसका मतलब कम्फर्ट भी बढ़िया है। सीट्स की मतलब जो विड्थ है वो अच्छी खासी है इसकी सीट्स की, और इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब एक भी ये लगा लो छोटे मोटे बम्प फील नहीं होते, बेशक सस्पेंशन थोड़े पास करते हैं पर राइड क्वालिटी मैंने इसकी जैसी बिल्कुल भी अभी तक नहीं देखी है। और भाई आपको इसे एक और रीज़न है इसे खरीदने का कि आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मिल रही है, और मतलब इस प्राइस में और क्या लोगे। सफारी पे उस साइड क्यों नहीं गए थे भाई? सफारी बाहर से जितनी तगड़ी है अंदर से उतनी बेकार है। अच्छा, नेगेटिव्स ऐसे नेगेटिव जिससे आदमी ऐसा हो जाए कि भाई ना यार ये नहीं ले। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको रिस्क लेना ही नहीं है तो मत जाओ इसकी तरफ, क्योंकि रिस्की है मैं कहता हूँ अभी। क्योंकि कैसे रिस्की है? रिस्की ऐसे कि मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व करा भाई, यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स देखी है, आती है भाई महिंद्रा में आती है, मैंने आपको बता दिया। लकीली हमारी में नहीं आई पर रिस्की तो है भाई जैसे और लोगों में आ रही है। अगर आप रिलायबिलिटी चाहते हैं, ट्रस्ट चाहते हैं वो सब, और हाँ अगर आप क्वालिटी अगर आप प्रेफर करते हैं तो इसमें आपको क्वालिटी भी थोड़ी बहुत चीप मिलेगी, ह्युंडई से भी चीप लगती है मुझे इसकी जो प्लास्टिक की और जो लेदर की क्वालिटी है। और मतलब आप क्वालिटी रिलायबिलिटी सब चाहते हैं, आफ्टर सेल्स अच्छी चाहते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो थोड़ा कम है महिंद्रा में, कम है। एक इसकी ब्रेकिंग पे भी थोड़ा बहुत रहता है कि ब्रेकिंग इतनी बढ़िया नहीं है उस पे। अच्छा भाई वो तो मुझे लगता नहीं है भाई, क्योंकि ब्रेकिंग सही है, ब्रेकिंग सही है तो बहुत बढ़िया है। स्टीयरिंग में कोई नॉइज? स्टीयरिंग में कोई नॉइज नहीं है भाई, बहुत तगड़ा स्टीयरिंग है, बस ये कि थोड़ा फील कम है चलाने में, हाइड्रोलिक में ज्यादा होता है। सेटिस्फाइड हो? मैं सेटिस्फाइड हूं भाई। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9। एक नंबर कहां काटोगे? एक नंबर भाई इसमें जो टेक्निकल ग्लिच वगैरह आते हैं और जिन्होंने जो फीचर इसमें मिस करे ताकि अपनी आफ्टर सेल्स अगर सुधार लेंगे तो आगे जाके मैं आपकी कमेंट में पिन कर दूंगा 10 में से। अच्छा ऐसा है क्या? टाइम हो चुका है भाई ऑलमोस्ट 6.5 महीने। 6.5 महीने तो अभी तक इसमें एप्पल कार प्ले नहीं आया? नहीं दिया भाई, ये तो धोखा कर दिया। धोखा कर दिया तो कैसे यूज कर रहे हो भाई, काम कैसे चला रहे हो भाई? मैं तो हमारी क्लाइंट मैं तो मैंने तो आज तक यूज ही नहीं करा। अच्छा यूज ही नहीं करा? मतलब ऐसे मैं इसमें नेविगेशन और म्यूजिक के लिए अलेक्सा दे रखा है, इंटरनेट है, सब कुछ हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्या करेंगे एप्पल कार प्ले कनेक्ट करके। हाँ चलो वो तो अब सबके अलग अलग यूज के ऊपर है। तो भाई यही था दीपांशु भाई का पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। थैंक्स भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस। अरे सेम भाई सेम भाई, जैसे इसमें दिक्कत थी ना ये जूम मोड वाली, अब जैसे हम कुछ ड्रैग शूट कर रहे थे तो ये देखना ये यूं ही घूमता है और कुछ नहीं करता। गाड़ी बंद कर लो, हमने थोड़ी देर पहले इसको गाड़ी बंद भी कर ली थी, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा था ये। नहीं हुआ देख लो भाई। ये कह रहा था मैं कि ये थोड़ा इसमें दिक्कत है मोड्स में। यहाँ तक वीडियो देखी थी इसको लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।